मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी, खास बोर का रहायश है मेरी। मैं कई 10-15 दिन जो गोडे की प्रॉब्लम थी, सह की मुश्किल थी, कई मैं मिलया, बठिंडे जाके भी मिलया, मैं चंडीगढ़ भी मैं मिलया, पर मेरे ब्रदर ने इन्हों की एक दिन वीडियो वेखी डॉक्टर अमित सूद जी की, जो कि वेट लॉस वीडियो थी। मैं आप ही बहुत ट्राई की करे वेट लॉस करने की, जो कि मेरे को नहीं हो पाया। फिर मैं इन्हों को आया, इन्होंने मैं हफ्ता पहला मिल के भी गया, इन्होंने सारी गलबात भी की है, इन्होंने मैं तसली भी दी है। हूँ इन्होंने मैं 2-3 दिन जो इन्होंने मेरा ऑपरेट किया, जो कि मैं आपकी नवी लाइफ वास्ते कहना भी मेरा सारा सही होगा। इन्हों जो वेरियर है वह भी बहुत सही है, जो नर्सा ने उन्होंने भी सारा ठीक है। इन इतने आके मैं जरूर चाहूँगा कि तुम सारे आपका इतने आके एक बार डॉक्टर अमित सूद जी को जरूर मिलो। जरूर जो मोटापा है ये बहुत गंदी बीमारी है, संगन की लोड़ नहीं। जिमें आप कह देना ऑपरेशन है जी ना कराओ जी, हर बाईपास सर्जरी ना कराओ, कुछ पता नहीं लगता। डॉक्टर साहब इन्नी साफ सफाई ना करते ऑपरेशन कि तुसी तुहानू पता ही नहीं लगेगा कि हो पाया। हाँ जी, मैं सुरिंदर सिंह बैल जी, SDO रिटायर होया, मैं पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड तो हरप्रीत का मैं फादर हाँ। मेरी रैश भी ये हो रही है, तो कुछ दिनों तो मैं गोडिया की सह की तकलीफ हैगी। वेट तो यदा वैसे ही 126 किलो हैगा सी, जिदे करके भी थोड़ी जी परेशानी इनू आती सी। इन्हें बाईपास सर्जरी बारे कुछ नॉलेज जिहड़ी है वह गेन की, जिदे नाल असीं जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली कई थावां दे डॉक्टर नाल सलाह की। इन्ने वेट के इन फोटो मंगवा के सब ने एको गल कही भी इस स्टेज के इन्हां वास्ते बाईपास सर्जरी जिहड़ी है वह दी बेस्ट है, तुहानू कल नू कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। तो ये मेरे बेटे के कहन के उत्ते मैं ये नाल आके डॉक्टर साहब को विजिट किया। डॉक्टर साहब की मीटिंग दे विच असीं फैसला किया भी असी ये बाईपास करावांगे ही करावांगे। नैक्सट जदों साडी सैकंड मीटिंग हुई है तो उहदे विच असी ये फैसला किया भी असी करावांगे भी मोगे तो ही, दैट इज़ मस्ट। उहदा रीजन जिहड़ा सी उह इह सी भी डॉक्टर साहब दे गल्लां बातां करन तो मैनूं इस तरह लग्या भी इहनां नूं इस काम की नॉलेज बहुत है। बेशक शहर छोटा है, लेकिन छोटे शहर के बावजूद भी जिहड़ा है सानूं इत्थों ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। बाकी जितों तक सवाल है हॉस्पिटल का, सानूं बिल्कुल महसूस नहीं होया भी असीं आपदे घर रह रहे हैं कि हॉस्पिटल दे विच रह रहे हैं। बड़ा वधिया वातावरण सीगा, जिन्नी डॉक्टर साहब हैगे ने, जिन्नी लेडीज स्टाफ हैगा, होर स्टाफ हैगा, सब का बोलने का तरीका बहुत वधिया। टाइम सिर नाश्ता आ जाना, टाइम सिर खाना आ जाना, लंच आ जाना, ब्रंच आ जाना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। और इन्होंने दिन रात जा के सेवा की है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई चिंता नहीं। यहोजा बिहेवियर जोड़ा है ना वो घट ही वेखन में मिलता है। बहुत बड़े बड़े अस्पतालों के मैं जाके वेख्या, उत्थे रह के वेख्या, लेकिन उत्थे एक हूबे जी होंगी है भी असी हस्पताल के नौकरी करते हैं, असी किसी को की समझते हैं, यहोजी चीज इतने कोई नहीं मिली। बिल्कुल एन पूरा टाइम दे के डिवोट करके इन्होंने साड़ी सेवा की है। तो मैं सबनों यही कहूँगा भी शहर ना वेखो, बहुता व्डा अस्पताल ना वेखो, मोगे ही इन्हों को पहुँच के तो इतों ही इलाज कराओ। मैं पूरा विश्वास है भी ये जोड़ा साडा वेट हैगा, लोग तो कहें भी साडा थोड़ा कटिया, लेकिन मैं पूरा विश्वास है कि विद इन 15 or 20 डेज़ मेरा बेटा जोड़ा है ये 100 किलो तो भी घट वेट से आजगा, ये कोई दूजी चिंता नहीं। सो मेरी फिर यह हुई है, सबनों अपील है भी मैं इस हस्पताल के अज की कड़ी के हस्पताल के स्टाफ वालों, डॉक्टर वालों और सेवा वालों कोई कमी नहीं रही। जिनी प्रशंसा कर लो उन्नी थोड़ी है। जय हिंद, सत श्री अकाल, शुभ शाम सहित।